कम से कम 25 मिनट से कोई चांस नहीं है, पूरा रास्ता जाम है, पूरा मोटरसाइकिल वाले तक नहीं निकल पा रहे हैं। ये देखो ऐसा करके निकाल रहे एम्बुलेंस साइड से, साइड साइड से निकाल रहे, लेकिन क्या करेंगे, रास्ता है ही जाम। यहाँ पर ट्रैफिक वाला है, भगवान करे उसको जिंदा रखे। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। लंबी कतारों में फंसे ट्रक, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। दोस्तों क्या हुआ है, कहां हुआ है, किस तरह से लोग परेशान हैं, वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन पहले जरा अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर जो लोग भेज रहे हैं, जरा उनकी सुनिए कि उनकी परेशानी क्या है, कितने परेशान है। एक नहीं दो नहीं, हमें लगभग दर्जनों वीडियो बनाकर भेजी गई है, जिसमें अपनी परेशानी का रोना रोते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ट्रक फंसे हुए हैं, एक घंटे नहीं दो घंटे नहीं, आठ आठ दस दस घंटे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, ऐसा जाम लगा हुआ है, ऐसा मुसीबत का महामार्ग बन गया है ये गुजरात और मुंबई महामार्ग। जरा इन जनाब की बात सुनिए जो एक एक करके ट्रक ड्राइवरों से पूछते जा रहे हैं कि क्या हुआ है, कितनी देर से खड़े हैं, आपको पता लगेगा कि यहाँ क्या परेशानी हो रही है। ये एरिया मांझीपाड़ा और वसे रेलवे अंडर पास के बीच का है, जहाँ पर आधे पौन घंटे से गाड़ी खड़ी है, सब गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी, यहाँ तक कि जो रिक्शा वाले ये भी सब खड़े हैं। क्या नाम है आपका, कब से खड़े हैं आप इधर? इधर हो गया आधा पौन घंटे। जब से खड़े हो इधर ही, गाड़ी हिल नहीं रही है, सब लोग परेशान हो रहे हैं इधर, सब गाड़ियाँ ऐसी खड़ी है। क्या नाम है आपका, कब से खड़े हैं आप इधर? दो घंटा। ट्रैफिक सब पूरा सब लावारी हालत में है, कोई मैनेजमेंट कोई कंट्रोल नहीं है, सब ऐसे ही खड़े हैं। भैया कब से खड़े हैं आप इधर? एक घंटा हो गया, ट्रैफिक ऐसे ही खड़ा है। देखा आपने, घंटों खड़े होकर वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं लोग। गर्मी आप जानते ही हैं, आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में अगर दो मिनट भी आपको अपनी गाड़ी में बैठना पड़ जाए तो क्या हो। यहाँ तो ये ट्रक ड्राइवर घंटों से खड़े हैं, सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं, टेम्पो वाले, टैक्सी वाले, निजी कारों वाले, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी इसमें फंसी हुई है। जी हाँ, एम्बुलेंस। और इसको देखकर भी एक शख्स वहाँ पर आग बबूला हो गए कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट की वजह से यहाँ पर लाइन लग रही है लोगों की और एम्बुलेंस तक नहीं निकल पा रही। एम्बुलेंस तो छोड़िए, मोटरसाइकिल तक नहीं निकल पा रही। पहले जरा ये देखिए जिसमें एम्बुलेंस फंसी हुई है और यहाँ पर इन शख्स का गुस्सा चरम पर है। रेम्बो हॉस्पिटल वापी, रेम्बो हॉस्पिटल वापी का एम्बुलेंस है ये। ये कम से कम 25 मिनट से मैंने आधा घंटा पहले वीडियो डाला था, और रिक्शे वाला ये हालत है। बॉम्बे अहमदाबाद घोड़ बंदर का ट्रैफिक में एम्बुलेंस जाम है, ये हालत है। ना कोई ट्रैफिक वाला है, ना कोई इसमें कोई बोलने वाला है, इसमें भी पेशेंट जिंदा रहे, भगवान करे उसको जिंदा रखे, लेकिन ये हालत इस हाईवे की है। ये अपने ड्राइवर है रेम्बो हॉस्पिटल के, इनका पेशेंट है गाड़ी में, पेशेंट वापिस से लाके वापिस से लेके जा रहे हो, वापिस से लेके लीलावती, लीलावती जा रहे हो। कोई चांस नहीं है गाड़ी में, नहीं अगर गाड़ी निकलने का कोई चांस कोई नहीं है, जगह ही नहीं मिल रहा है, जगह ही नहीं मिल रहा है ना। ये हालत है घोड़बंदर हाईवे का, बुरा हाल है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी में पेशेंट है और पेशेंट लेके हम कैसे मुंबई पहुंचे, क्या करें, कोई चारा नहीं। दो घंटा हो गया तुमको? दो घंटा हो गया, दो घंटे इलाके से फंसे हैं, चले जा रहे हैं बिरार टोल नाके से, दो घंटे से ट्रैफिक में हो। ठीक है सर, देखिए ये इस हाईवे की हालत है कि पेशेंट बेचारा पीछे जूझ रहा है, ड्राइवर बेचारा अपनी मेहनत करके उसको इधर तक लाया है दो घंटे में, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं है। ठीक है भाई, इसका कुछ जल्द से जल्द निवाड़ा किया जाए। हम गडकरी जी से यही बोलना चाहते हैं कि व्हाइट टॉपिंग ने बहुत करके आदमी लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, तो ठीक है, ये हमारा जो है बोलना, ये सुख दुख का कहानी है सर। गडकरी जी हम आपको सुना रहे हैं, ठीक है, जय हिंद जय महाराष्ट्र। देखा आपने इनका गुस्सा। और दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है, ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री,
ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831। दरअसल ये जगह है पालघर। जी हाँ, पालघर महाराष्ट्र वाला। सूरत गुजरात से लेकर मुंबई महाराष्ट्र हाईवे ये है। यहाँ पर कुछ रोड बनने को लेकर रोड बंद कर दी गई। और आपको ये भी बताते चलें, ये रोड अभी 2 महीने पहले ही बनी थी और उसके बाद ये परेशानी अब झेलनी पड़ रही है यहाँ के लोगों को। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो ठेकेदार है ये क्या कर रहे हैं? आखिर ऐसी कैसी रोड बना दी कि 2 महीने में ही उखड़ गई, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। और अभी ये हाल है तो लोगों की चिंता तो ये है कि अभी बरसात होने को है, मॉनसून आने वाला है, ऐसे में तो दुर्घटना बढ़ जाएगी। खासकर मोटरसाइकिल वाले, दो पहिया वाहन चालक, उनकी तो जान पर बनाती है। और ऐसे कितनी बार हुआ भी है कि यहाँ पर जाने गई है, कई कई किलोमीटर तक यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, 15-15 किलोमीटर तक का जाम लग गया है। बताया जा रहा है कि निर्माण के साथ ही ये हाईवे उखड़ना शुरू हो गया था। इससे आने जाने वाले वाहन चालकों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाता है तो दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इस आक्रोश को देखते हुए, लोगों के गुस्से को देखते हुए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने NHAI को भी अनप्लैंड कंक्रीटाइजेशन को लेकर खरी खोटी सुनाई है। इससे कई जगह प्रभावित है जहां पर जाम बार बार लग रहे हैं। यहां पर सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा है जिसकी वजह से जाम लगते नजर आ रहे हैं। घंटों जाम में लोग फंसे हैं और गर्मी से हाल बेहाल है। अब यहां पर गलती जो बताई जा रही है, हमने आपको बताया कि ठेकेदार ने रोड ही ऐसी बना डाली कि 2 महीने में उखड़ कर इसका ये हाल है कि अब इसको बंद करके दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, ट्रैफिक जाम को लेकर NHAI के अधिकारी ने भी बताया है कि PWD ने भारी वाहनों को डाइवर्ट किए बिना ही काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गुजरात से मुंबई व ठाणे की ओर जाने वाले भारी वाहनों को वर्सोवा ब्रिज से रिटर्न कर कॉमन भिवंडी की ओर भेजा जा रहा है। इससे हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों का हैवी लोड हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वैसे तो भारी वाहनों के रूट बदले थे, पर कोई मान नहीं रहा है, शायद इस वजह से यहां जाम भी लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस रूट पर जा रहे हैं, गुजरात मुंबई हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सा अभी सतर्क हो जाएं, अपडेट लेकर निकलें कि इस रोड के क्या हाल है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से घंटों घंटों जाम लग रहा है और इतनी गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।